नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त से होने वाले बदलावों को लेकर। हर रोज़ की तरह आज का दिन भी बदल जाएगा, ठीक उसी तरह से यह महीना भी बदल जाएगा और एक दिन यह साल भी बदल ही जाएगा। इसी बदलते दिनों के बीच में हम अपने जीवन यापन पूरा करते हैं। ऐसे में जुलाई का महीना भी आखिरी दौर में है। इस महीने के बाद अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा। इस अगस्त के महीने में हमारे आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इस बदलाव का सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ने वाला है, जिसके बाद हमें अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं 1 अगस्त से किन किन नियमों में बदलाव हो सकता है। 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दे। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल कर लें, क्योंकि 1 अगस्त से इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है। SBI अमृत कलश स्कीम में इस दिन तक करें निवेश। देश में सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अमृत कलश स्कीम में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे में अगर आप भी SBI की इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो आप भी इसी जितनी जल्दी हो सके इसका पूरा कर लें। आपको बता दें कि 400 दिन का एक स्पेशल FD स्कीम है, जिसमें निवेश करने पर आम लोगों को 7.1% और सीनियर सिटीजन को 7.6% ब्याज दर मिलने वाली है। बैंक रहने वाला है 14 दिन बंद। अगर आप बैंक से जुड़े काम करने वाले हैं तो जितनी जल्दी हो सके निपटा लें, क्योंकि अगस्त महीने में बैंक 14 दिन तक बंद रहने वाला है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 14 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टी शामिल की गई है। अब क्रेडिट कार्ड के लिए देना होगा एक्स्ट्रा पैसा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगस्त महीने से आपके जेब पर एक्स्ट्रा जोर पड़ने वाला है। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट से खरीद करने वाले लोगों को अब 12 अगस्त से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने में तो कम कैशबैक मिलने की बात कही गई है। ट्रैफिक से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव। 1 अगस्त से ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। बता दें कि 1 अगस्त से ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने वालों को 5,000 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माने के साथ 6 महीने की सजा भी हो सकती है। LPG सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव। अगर अगस्त महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 अगस्त से भी LPG सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। इसके बाद ही CNG और PNG के दामों में भी बदलाव की संभावना जताई गई है। बता दें कि तेल कंपनियां आमतौर पर 1 से 16 तारीख के बीच में LPG के दामों में बदलाव करती रही है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में बदलाव हो सकती है। साथ ही साथ CNG और PNG के दामों में भी बदलाव की संभावना जताई गई है। तो ये वो नियम हैं जो कि 1 अगस्त से बदल सकते हैं और हमारे और आपके जीवन पर इसका असर देखने को मिल सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।